गाना की नगरी में लंपी वायरस की एंट्री। छोटी सी है और इसको लंपी रोग की ये समस्या है। मथुरा के गांव छटीगरा में दिखा पहला मामला। छोटी सी है और इसको लंपी रोग की ये समस्या है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। आज ये मथुरा जिले के छटीगरा गांव में देखा गया। यूपी के जिलों में ही 12,000 से अधिक लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मथुरा से आया एक वीडियो विभाग की नींद उड़ा सकता है। समाचार सिटी 24 के रिपोर्टर ने मौके पर जाकर उस इलाके का जायजा लिया जहां ये गौ माता लंपी वायरस से ग्रसित नजर आई। इस वीडियो को देखने के बाद सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। जाहिर है मथुरा गौशाला का बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहां लाखों गाय रहती हैं। मथुरा के छटीकरा में कई गायें इसकी चपेट में हैं। दूसरी तरफ राल, अकबरपुर और रामताल में ये मामले देखने को मिले हैं। लंपी वायरस डिजीज की सबसे ज्यादा शिकार गायें हो रही हैं। भैंसों में इनका संक्रमण नाक के बराबर है। इस वायरस से संक्रमित पशुओं के नाक और मुंह से पानी और लार गिरने लगती है। तेज बुखार भी होता है और ऐसे में जानवर खाना छोड़ देता है। वहीं सबके मन में एक सवाल आया है, जिसको लेकर समाचार सिटी 24 की टीम ने पशु अधिकारियों के पैनल से बात की और जाना कि क्या ये बीमारी इंसानों को हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि इंसानों में लंपी वायरस का खतरा नहीं होता है, तो ये दूध में भी हो सकता है। वैसे भी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। दूध को लगभग 100 डिग्री के तापमान पर उबालने के बाद ही पीना चाहिए। इसलिए आप दूध को उबालकर पिएं और अपने दिमाग से लंपी वायरस के खतरे को दूर करें, क्योंकि दूध से किसी को भी लंपी से संबंधित खतरा नहीं होगा। हुआ है आज ये मथुरा जिले के छटीकरा गाँव में देखा गया है, जिसमें शरीर पर काफ़ी मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं और पशु ना तो भोजन कर पाता है और उसको असहनीय पीड़ा होती है। और यहाँ पर और भी मवेशी हैं, ये अगर ये रोग इनमें फैल गया, और ये आवारा मवेशी हैं, अगर यही मवेशी धीरे धीरे पूरे छटीकरा गांव में या आसपास के गांव में जाएंगे तो यही बीमारी ये अदर क्षेत्र में फैलाएंगे। अब देखना होगा कि मथुरा का प्रशासन मामले पर कब संज्ञान लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।